नहा धो के निकल आया हूँ बस। दोनों लोग तो नहा लिए थे। अरे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई अभी सुबह के हो रहे हैं टाइम 7:30 और हम उठ चुके हैं फाइनली बाहर। अच्छी खासी धूप भी निकल आई है, तो अभी चलते हैं नाश्ता करने के लिए मेस में, क्योंकि अभी नाश्ता टाइम हो गया, तो देखते हैं क्या है। और भाई क्या मस्त मौसम है आज, बढ़िया ग्रीनरी भी है, सामने ही पेड़ है और धूप बढ़िया निकल गया ये। ठीक है भाई चलते हैं फिर। हाँ जी गाइज, तो अभी टाइम हो रहे हैं 11:30 और अब हमें है भाई नहाने का टाइम। अभी अपना थोड़ी देर पढ़ वढ़ लिए थे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है, लेकिन अब होता क्या है हॉस्टल लाइफ में कि एक लोग पहले बाथरूम में घुसे होते हैं तो टाइमली खाली नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो अभी भाई हम वेट कर रहे हैं, एक नहा रहा है और एक लगा रहा है बाहर। तो भाई अभी नहाते और फिर चलते सीधा मेस में खाना खाने के लिए। निकलने का नाम नहीं ले रहा है, दोनों खड़े बाहर लड़ाई कर रहे हैं मस्त। लगता है ऐसे ही खाना खाने जाना पड़ेगा। थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, देखते हैं, तो मेस में भीड़ लग जाती है इसीलिए थोड़ा देखते हैं। अगर निकल जाता तो नहा के खाना खाएंगे, नहीं तो खाना खा के आएंगे उसके बाद नहाएंगे, नहीं तो अपना चलता रहेगा। देखते हैं अभी थोड़ा वेट करते हैं, फिर दिखाते हैं आगे का सीन जैसा होगा वैसा। एक लोग तो नहा धो के निकल आए हैं लेकिन एक दूसरा घुस गया है तब तक। ये दोनों लोग अब तक बाहर बैठ के लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे थे, एक बाहर से डाल रहा है, एक अंदर से डाल रहा है। और ये नहा धो के निकल आया है, बॉडी दिखा रहा है, जिम कभी जाना नहीं है, बॉडी दिखाएंगे। और ठीक है भाई थोड़ी देर में नहाते हैं फिर चलते हैं खाना खाने के लिए। बहुत देर बाद अभी नहा धो के निकल आया हूँ बस। दोनों लोग तो नहा लिए थे, ये लोग जल्दी चले गए थोड़ा खाना खाने। अब थोड़ी देर में हम जाते हैं, बाल वाल सही करते हैं, उसके बाद निकलेंगे खाना खाने के लिए। बहुत देर बाद बाथरूम खाली हुआ तो थोड़ा टाइम लग गया नहाने में। ठीक है फिर नहाते उसके बाद चलते हैं सीधा, मतलब बाल वाल सेट करते हैं उसके बाद चलते हैं सीधा खाना खाने। अभी समय हो रहे हैं 5:30, तो अब चलते हैं मेस में, सीधा करते हैं नाश्ता क्योंकि ये होता है हम लोग के नाश्ते का टाइम। और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत घूमेंगे टहलेंगे या खेलेंगे, फिर मिलेंगे शाम। मुँह पे कहाँ अटकाए वो। One eternity later. भाई अभी मैंने ऑर्डर कर दिया था पिज़्ज़ा, हम लोग का ऑर्डर आ चुका है और अभी हम और समीर जा रहे हैं गेट पे पिज़्ज़ा लेने के लिए, तो लेते हैं पिज़्ज़ा। भाई ले आए पिज़्ज़ा और कोक, वापस आ गए, अब चलते हैं मस्त खाएंगे पियेंगे। और समीर पिज़्ज़ा का बिजनेस करना चाह रहा है, कॉन्टेक्ट करो इनसे अगर कोई करना चाहता है। सब बीटेक छोड़ो, पिज़्ज़ा बेचो। 7,000 में जॉब भी मिल रही थी उस भाई दिला रहे थे, तो गाड़ी फ्री दे रहा था वो। कर लो भाई कर लो, सही रहेगा, 7,000 मिलेगा। पार्ट टाइम में कौन रात में देखने जा रहा है, करते रहो जॉब। और क्या, दो घंटे के काम, कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती, तो करना चाहिए, बड़ा होता है पैसा। ठीक है भाई चलते हैं रूम में, मिलते हैं। तो भाई अभी पहुँच चुके हैं रूम में और ये देखो समीर शुरू हो गया है, वाओ, बर्गर के साथ। और ये हमारा पिज़्ज़ा कोक। और ये संस्कारी लड़का सुबह भी नहा रहा था, अभी भी नहाता, मिला आप लोगों को ब्लॉग में। तो भाई ठीक है, इसको निपटाते हैं।